नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले अहम और जरूरी बात, मास्क पहनिए। आप जब भी बाहर निकलें अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं ताकि आप कोरोना के इस प्रकोप से, कोरोना के इस कहर से बच सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है सबसे पहले उससे आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त जो खबर हमें मिल रही है आपको बता दें, लखनऊ से सीएम योगी ने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिया है, होम आइसोलेटेड मरीजों की भी सूची बनाई जाए। सीएम योगी का निर्देश, होम आइसोलेटेड मरीजों की सूची बनाई जाए, विधानसभा क्षेत्रवार तरीके से इस सूचियों को बनाया जाए। सूची के आधार पर विधायक सांसद जानेंगे मरीज का हाल। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि होम आइसोलेटेड मरीजों की विधानसभा क्षेत्रवार सूची बनाई जाए और उसके बाद विधायक और सांसद इस सूची के हिसाब से मरीजों का हाल अपने अपने क्षेत्र में जाकर लेंगे। जानकारी दे रहे हैं राजू संवाददाता लखनऊ से, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजू, मामले में क्या कुछ जानकारी? सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि सूची बनाई जाए जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनकी। बिल्कुल पारुल, सही कहा आपने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दिया है कि कोरोना मरीज, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की विधानसभा क्षेत्र बार सूची बनाई जाएगी। सूची के आधार पर संबंधित क्षेत्र के विधायक और सांसद मरीजों का हालचाल पूछेंगे और यह सुनिश्चित कराएंगे कि संबंधित मरीज को मेडिकल किट मिल रही है या नहीं। मुख्यमंत्री ने इस निर्देश में कहा है कि संदिग्ध लोगों को मेडिकल किट का वितरण निगरानी समितियों द्वारा किया जाए, साथ ही ऐसे व्यक्तियों का नाम, टेलीफोन नंबर युक्त एक सूची भी तैयार की जाए जिन्हें मेडिकल किट दी गई है। यही सूची की अगर बात करें, संबंधित जनपद के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उपलब्ध कराई जाए, जिलाधिकारी मेडिकल किट की व्यवस्था कराए। पारुल, इतना ही नहीं, होम आइसोलेशन में रहकर उपचार करा रहे लोगों की विधानसभा बार सूची तैयार करने की भी बात की गई। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए ऑक्सीजन इंजेक्शन के पुख्ता इंतजाम करने की बात की है। और वही सीएम योगी की अगर बात करें तो उन्होंने मुख्य सचिव, अपर सचिव, मुख्य सचिव सूचना और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रमुख सचिव की बात करें, शिक्षा तथा ऑक्सीजन उपकरणों की कार्यशीलता की समीक्षाएं भी की जाए, सभी जनपदों में एनेस्थेटिक्स और टेक्नीशियन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, हर जिले में जरूरत के मुताबिक मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया है कि किसी भी तरीके का जो होम आइसोलेशन में है या जो अस्पताल में कोरोना के मरीज है उनको किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर उनकी कोई शिकायत आती है तो उससे अधिकारी और कर्मचारियों के सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू जानकारी देने के लिए। अधिकारी कर्मचारी अब एक सूची बनाएंगे, विधानसभा क्षेत्रवार तरीके से सूची बनाई जाएगी जिसके बाद विधायक सांसद अपने अपने क्षेत्र के मरीजों का हाल चाल जानेंगे, उन्हें व्यवस्थाएं मिल रही हैं नहीं, जो कोरोना किट है जिसमें मेडिसिन वगैरह शामिल हैं वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं नहीं, घर पर भी अगर वो इलाज ले रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों को अब ध्यान में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रखकर देख रहे हैं और ये ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात बेहद ख़राब हैं।